एनी होमवर्क? क्या स्ट्रक्चर बोलना जरा, स्ट्रक्चर अच्छा पूछ रहा है, याद आ गया मेरे CH3। So this structure was given homework to you. चलिए बेटा नाम बताओ इसका। So this is 3-propyl, ठीक है। अब हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है चेन में एज पर द रूल्स, ठीक है। रूल्स क्या कहते हैं कि जब भी आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं, यू हैव टू इंक्लूड देम इन द चेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ठीक है। तो अगर मेरी बनती लॉन्गेस्ट चेन तो इस साइड से बननी थी, बट इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, ओके। सो आई विल बी इंक्लूडिंग इट लाइक दिस, ठीक है, जिसमें अब ये मेरा सारा जो है इट इज एक्टिंग एज अ साइड ग्रुप, ठीक है। साइड एल्काइल ग्रुप जैसे होते हैं ना, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 कार्बन वाला है। जैसे हम मिथाइल लिखते हैं, इथाइल लिखते हैं, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। दिस इज विच ग्रुप, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, एंड इट इज अटैच्ड टू थर्ड पोजिशन, ठीक है। इट इज अटैच टू द थर्ड पोजिशन, सो दिस इज 3-propyl हेप्ट 1-ene, क्लियर है, ठीक है। चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन। चलिए बेटा इसकी नेमिंग करो। हाँ जी जैकलिन आप बताओ, करो बेटा जल्दी करके बताओ मुझे। हो गया जैकलिन? इतना टाइम नमन नेमिंग किधर से स्टार्ट करूं जैकलिन, इधर से कि इधर से, दिस साइड? 1, 2, 3, 4, 5,
हाँ जी नमन, इधर देखो क्या लिखो पहले। हाँ पहले क्लोरीन लिखना है, सी पहले आता है अल्फाबेटिकली, क्या पहले आता है, कितना है ब्रोमो का नंबर, सो इट विल बी आगे 2 chloro आगे, वेरी गुड, ठीक है जी। और जब आपने राइटिंग में लिखना है, डू रिमेम्बर व्हेन एवर वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर एंड अ नंबर, तो उसको हमने हाइफन से सेपरेट करना है, दो नंबर्स को हमने कॉमास के साथ सेपरेट करना, ठीक है, ये याद रखना है। गलत नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखोगे तो नेमिंग ठीक भी होगी तो भी रॉन्ग मानी जाएगी, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट स्पेसिफाइंग इन द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट, ओके। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ है सारे, ठीक है, मिथाइल आपका नाइट्रो ग्रुप है ये, ठीक है, तो डेट विल बी 2-methyl, कौन सी पोजीशन पे है नाइट्रो, इस पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन बनी है, 4th पोजीशन, ठीक है, सो डेट इज 2-methyl, वो मैं आपको ऑर्डर में बताऊंगी नेक्स्ट, ठीक है, अभी लिख लो, ये मैंने गलती से डाल दिया है, ठीक है, आगे हम प्रेफरेंस ऑर्डर लिखेंगे फिर उसमें बताऊंगी, दैट इज 2-methyl nitropentane, 4-nitropentane, जब आपके पास दो अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं तो हमें प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटेनॉल भी पूछ सकते हैं, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है जी बेटा, अब पहले मुझे बताओ नियो ग्रुप कौन सा होता है, उस दिन मैंने आपको 3 ग्रुप बताए थे, आइसो सेकेंडरी एंड नियो बताए थे ना, आइसो सेकेंडरी एंड नियो, ठीक है, नियो कौन सा था, यस, व्हाट इज नियो ग्रुप, भूल गए इतनी जल्दी, पेजेस पलट रहे हो, लास्ट नहीं, वेरी गुड, व्हेन द सेकंड लास्ट कार्बन एटम इज अटैच्ड टू एल्काइल ग्रुप्स दैट फॉर्म द नियोपेंटेन, ठीक है, या नियो वर्ड कब आता है, नियो वर्ड कब आता है, व्हेन द लास्ट सेकंड कार्बन एटम is attached to two alkyl groups, वो दो alkyl groups के साथ attached हो, तो based on this
कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर फॉर नियो पेंटाइल अल्कोहल. पेंटाइल का मतलब पांच कार्बन आने हैं, ठीक है, और एक कार्बन के साथ हमने अल्कोहल ग्रुप में लगाना है. ओके बनाओ बेटा. हाँ जी बेटा, अल्कोहल का OH ग्रुप होता है. बस पांच ही लगाने हैं, बस पांच स्ट्रक्चर बनाने हैं. बस कैसा स्ट्रक्चर है बोले जरा. CH3 CH2 CH2 सी इसके ऊपर CH. अच्छा अब मुझे ये बताओ पेंट क्या होता है. व्हाट इज पेंट. देयर शुड बी 5 कार्बन. आपने कितने लगाए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 वो एल्काइल ग्रुप्स भी काउंट होंगे बेटा बीच में. आइसोमेरिज्म पढ़ा है हमने 10th में. चलो नियो पेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होगा. दिस CH3 वी विल बी राइटिंग, देन वी विल बी राइटिंग हियर CH. अब यहां पर दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ योर चेन, ठीक है. कितने हो गए हैं. 1 2 3 4 हो गए. एक कार्बन और आएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियो पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है जी कि नहीं. 1 2 3 4 5 उस दिन बताए भी थे मैंने. आगे लिखो, राइट डाउन. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखो या सेकेंडरी ब्यूटेनॉल लिखो. राइट डाउन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटेनॉल. सेकेंडरी का मतलब क्या है अब यहाँ पर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी हेयर है. जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए. 2 कार्बन के साथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रुप हेयर. द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रुप इज दिस, दैट जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. तो जिस कार्बन के साथ आपने OH लगाना है, दैट कार्बन इट शुड बी कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन. तो अब वैसे स्ट्रक्चर बनाओ इसका. 4 कार्बन होने चाहिए बस, ठीक है. कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर फॉर दिस. आधा तो मैंने बना ही दिया आपके लिए, आधा तो इसमें स्ट्रक्चर बन ही गया. इतनी चीज तो पता है ना कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है. यू नो दिस थिंग कि कार्बन ने हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है. Whenever you have to write down any structure,
व्हेनेवर यू हैव टू राइट डाउन एनी स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्रक्चर्स में कैसे लिखती हूँ, सपोज अगर 6 की चेन है या ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने हाइड्रोजन्स लगाने हैं? बेस्ड ऑन द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन. ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, जैसे अब इस कार्बन के साथ ये वाला जो है वो सिंगल बॉन्डेड है, तो यानी कि और कितने हाइड्रोजन आएंगे इसके साथ? नमन एक बॉन्डेड है तो आगे कितने हाइड्रोजन लगाऊं? 3. अब ये वाला कार्बन 2 के साथ बॉन्डेड है, और कितने आएंगे हाइड्रोजन? 2. ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 बॉन्डेड है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1. 1, 2. ये वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 1, 2 और 3. तो अगेन इट विल बी हैविंग H here. अब इस कार्बन को देखो, 1, 2, 3, 4. कोई आएगा हाइड्रोजन यहाँ पर? नो. 1, 2, 3 एंड ठीक है. सो इन दिस वे विल बी राइटिंग एनी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन. ठीक है, हर एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन या 4 एटम्स के साथ क्या करनी है? बॉन्डिंग करनी है. बताओ अब CH3, CH2, CH अल्कोहलिक ग्रुप यहां पे, बट ये तो यहां पर, अच्छा आपने ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया. अल्कोहलिक ग्रुप ऊपर लगा दूं यहां पर, फिर ठीक है, पहले वाला भी ठीक था, रिप्रेजेंटेशन ही ऐसे चेंज किया बस. ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर ओके. सो द कार्बन एटम दैट इज एक्चुअली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप, इट इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन. ठीक है, अगर आप वो नीचे लगाते हो तो इट इज शोइंग द साइड चेन. हमें साइड चेन थोड़ा दिखानी है, हमें तो मेन ग्रुप दिखाना है ना, पेरेंट चेन दिखानी है. ठीक है, अब उसके बाद लिखो स्ट्रक्चर, राइट डाउन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर नाउ. अच्छा इसकी नेमिंग बताओ. नमन बताएगा. हाँ जी नमन, ऐसे नहीं है ना. नो 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 नहीं, बता जरा नेमिंग किस तरह से स्टार्ट करूं? लेफ्ट से स्टार्ट कर दूं, उसके बाद नाम कैसे स्टार्ट करना है? कितने कार्बन है? 3 का क्या नाम होता है? है प्रॉप. आगे सिंगली बॉन्डेड है कि डबली बॉन्डेड है? डबल बॉन्ड का है, दिख रहा है कहीं पे? मुझे तो नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड नहीं है सब में?
तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स। आगे सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे फॉर द फंक्शनल ग्रुप। किस किस पोजीशन पे लगे हैं फंक्शनल ग्रुप, है तीनों पे लगे हैं, तो 1, 2, 3। आगे कितने हैं, 3 है, तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड ट्राई, तो दैट विल बी ट्रायोल। ठीक है जी, सो दैट इज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। और इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। तो अगर आपसे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, यहाँ पर रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद तो नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स होता है या वाउल होते हैं तो फिर हम देखते हैं, ठीक है, नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ ही हम रिमूव करते हैं। ओके, नाउ यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल और द IUPAC नेम ऑफ द ग्लिसरॉल, तो दैट इज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। ठीक है जी, नेक्स्ट राइट डाउन। अच्छा, एक स्ट्रक्चर बनाओ, अब राइट डाउन 2-chloro, 2-methyl, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर 2-chloro, 2-methyl ब्यूटेन 1-ol। चलिए राइट डाउन, वैसे ही बनाना है जैसे मैंने सिखाया है। सबसे पहले कार्बन की चेन फॉर्म करो, कितने की चेन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन है, पहले 4 कार्बन लिख लो सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, राइट डाउन 4 कार्बन विद द सिंगल बॉन्ड। अब उन्होंने क्या कहा है आपको कि 2 पोजीशन पे आपने क्लोरो ग्रुप लगाना है और 2 पोजीशन पे ही आपने कौन सा ग्रुप लगाना है, मिथाइल, और 1 पोजीशन पे क्या है, ओल है, ओल इज फॉर एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर एल्कोहल लग गया। ठीक है, 1 पोजीशन पे एल्कोहल लग गया तो इसको मैं 1 दे दूंगी। सिमिलरली आप इधर भी लगा सकते थे तो आप इसको 1 कह दो। ओके, इधर लगा दोगे तो इधर से 1 स्टार्ट हो जाएगा, तो दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, यहाँ पर क्लोरो लगा दो। सिमिलरली 2 पोजीशन पे और क्या लगा हुआ है, बस हो गया कंप्लीट, हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप्स लग चुके हैं। अब सारे हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसके कंप्लीट हैं। हेयर इट विल बी गेटिंग 2 एंड हेयर इट विल बी गेटिंग, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एनी डाउट, अमन ठीक है, नेक्स्ट तूने करना है, पूछ ले इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले अभी। ठीक है, ओके, जो नेम है, वर्ड रूट है, उसके कार्बन पहले कंस्ट्रक्ट कर लो, उसके बाद जितने आपके फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं प्रायोरिटी वाइज आपने देखना है। पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, साइड चेन्स को बाद में देनी है। ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज पहले फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लो, फिर जो साइड चेन्स है उनको अटैच कर लो। ठीक है, बाकी जितने हाइड्रोजन रह गए आपने वो लगा दो। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, फोर क्लोरो पेंट टू इन, 4-chloro-pent-2-ene, नमन की टोन है।
done. नमन हो जाएगा तो बता देना. नमन हो गया. चल बताओ कितने कार्बन बनाओ. फाइव. 1 2 3 4 5. फिर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? हैं इधर से कर लो. 1 2 3 4. उसके बाद इधर क्या लगाऊं? कहां पे? कहां पे लगेगा? टू पोजीशन पे है तो इसमें से टू पोजीशन कौन सी है? है ये वाली टू पोजीशन है. कार्बन का क्या नंबर है? ये कार्बन का क्या नंबर है? तो यहाँ पे नहीं आएगा. हाइड्रोजन कंप्लीट कराओ. ठीक है सहज. चलो नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैकलिन बताएगी. अब हेप्टेन 1,4-diene-3-ol. हेप्टेन 3,4-diene-1-ol. यही बोला था मैंने. नहीं 1,4-diene-3-ol. हेप्टेन 1,4-diene-3-ol. नमन पसीना साफ कर रहा है. ओह इतना मुश्किल काम. हेप्टेन 1,4-diene-3-ol. जैकलिन हो जाएगा बेटा बता देना. थोड़ा जल्दी कर लो टाइम होने वाला है. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH OH लगाओ. स्ट्रक्चर ठीक है? ठीक है जी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की चेन हो गई. ठीक है. डेट इज हेप्टेन फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन. दिस इज 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. उस पर हमने डाई इन लगा दिया और थ्री पोजीशन पे. वेरी गुड जैकलिन.